जी, तो वो पीडीएफ क्या कहते हैं, तो उसका फॉर्म पीडीएफ भेज पीडीएफ देते नहीं, हैं, नहीं निकलवा उसका लो। पीडीएफ नहीं होता है। जब आपको किसी कस्टमर से चेक लेना होता है तो चेक का पीडीएफ नहीं होता है, चेक हमेशा ओरिजिनल होता है। इसी तरीके से जब एनएसीएच में आपको किसी कस्टमर से पैसा लेना होता है तो उसका पीडीएफ नहीं होता है, उसका वो ओरिजिनल फॉर्म लगता है। ओरिजिनल फॉर्म मैंने दिया है आपको, एक छोटा सा फॉर्म है बिल्कुल चेक के साइज का, चेक के साइज का, चेक होता है ना, चेक के साइज का नेच का फॉर्म है। आप जरा अपने पेपर्स में चेक करिए, वो फॉर्म आपके पास है, उसको सिग्नेचर कराइएगा। भरने के पहले एक बारी बात कर लीजिएगा पूरा का पूरा, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से भरना है। जैसे जो चेक होता है, चेक के अंदर हल्का सा मिस्टेक हो जाए, हल्का सा कहीं ऊपर नीचे कुछ रह जाए तो चेक बेकार हो जाता है, चेक का पैसा जो है बैंक नहीं देता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान से इसको आप भरेंगे तो इसका पैसा आपको मिल पाएगा। ठीक है सर, जी और कुछ नहीं सर। कल का मीटिंग हुआ बहुत ही शानदार होटल के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जिनका भी जो साथी वहां पर आए थे। हमारे पास अभी भी यहां पर जो साथी हैं, कल भी वहां पर प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, यहां पर भी हैं हमारे पास। यहां पर सूर्यवान मिश्रा जी हैं, कल के प्रोग्राम में थे, बहुत अच्छा लगा, मिश्रा जी से मुलाकात रही। राजेंद्र जी हैं और हरिराम जी हैं, हरिराम जी भी कल आए थे, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। जो साथी यहाँ पर आए हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कल का प्रोग्राम कैसा रहा। आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे कल का प्रोग्राम, कल आप वहां पर आए थे, मेरे ख्याल से हमारी टीम के काफी सारे लोग थे, ढेर सारे लोग थे, तो कल का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या पसंद आया, क्या आपने सीखा, क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या आपको नया लगा, क्या आपको डिफरेंट लगा, कोई भी साथी बताना चाहेंगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, क्या हाल है आपके। बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, कल का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था सर। अच्छा थैंक यू। और सबसे बढ़िया जो कॉम्बिनेशन प्लान जो दिए हैं वो बड़ा अच्छा है, उसमें पैसा कम दिया है और फिगर बहुत अच्छा आ रहा है मैच्योरिटी, जो 1.25 करोड़ का। अच्छा, करोड़पति। और बहुत कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टैंडर्ड प्रोग्राम था और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। एक तो एक साल बाद ऐसा हम लोग एकत्रित हुए, काफी दिन से ऐसा हो नहीं पाया था कि जो है एक साथ बैठ के कुछ प्लानिंग हो, बात हो। और मैनेजर साहब की भी बातें बहुत अच्छी लगी, एकदम परिवार में सबको ज्वाइंट करके, कि सबकी जिम्मेदारी उन्होंने किया कि सब लोग जिम्मेदार बनिए, कि मतलब अपना परिवार जो है एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाए। और उसमें जो है क्या होता है, एजेंट का ही लाभ होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है। और सारी चीजें अच्छी थी सर, वहाँ का एटमॉस्फेयर और खास करके खाना पीना भी सर बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट लास्ट तक पूरा अमूमन होता है 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, लेकिन चाय कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने का मतलब बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। थैंक यू। ठीक है, बाकी दोबारा से बताता है, ऐसी ट्रेनिंग से मोटिवेशन बहुत मिलता है। अच्छा, और नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज के साथ आदमी काम करता है, बढ़िया जी, बढ़िया, यही है सर। दोबारा से बधाई, आपकी स्क्रीन पर जो है आपकी फोटो आ रही है, दोबारा से आपको बधाई। नरेंद्र जी की भी फोटो आ रही है, नरेंद्र जी को भी बधाई। नरेंद्र जी अभी अभी आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैंने तो स्टेप लगा दिया, व्हाट्सएप लगा दिया सर मैंने। जी, हाँ। अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पसंद आया और आप वहां पर आए, आपने स्पेशली उसके लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर आपने ट्रेवल किया, इतना स्पेशली होटल के अंदर आप प्रोग्राम में शुरू से लेकर एंड तक आप रहे, मेरे को भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा। नॉर्मली होटल्स में आधे घंटे का नाश्ता होता है, इसमें तो भाई ने मेरे ख्याल से कम से कम थोड़ा ही घंटे का नाश्ता कर डाला, मतलब 2.5 घंटे तक नाश्ता खोल के रखा और 2.5 घंटे तक लंच लंच तक रखा था, मतलब 2.5 घंटे नाश्ता, मतलब कमाल कर दिया। उम्मीद नहीं थी मुझे इससे, लेकिन खैर ये बढ़िया रहा इसका। और खाने का टेस्ट मुझे इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, लेकिन मतलब खा के लगा यार ये तो बहुत बढ़िया बनाया, इसने कमाल कर दिया। सो नरेंद्र जी आपको भी बधाई, आपने भी कल वहां पर आकर पार्टिसिपेशन किया, आप कुछ बताना चाहेंगे कल के प्रोग्राम के बारे में। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था सर कल का, अच्छा लगा। और सर
आगे सर मोटिवेशन मिला सर काम करने के, सर आगे सर हम जो सर हमें सर पॉलिसी सर अपनी बनानी है, जो सर टारगेट सर कम हमारे सर ब्रांच सर मैं अपनी सर 50 पॉलिसी सर करूंगा सर 20 को सर ने बोला 20 तक सर 50 पॉलिसी सर मुझे अपनी देनी सर वहाँ पर एक्चुअली मैं वो क्या बोला था मैं अपने दिल में डिसाइड किया बट अपने ग्रुप में इस टाइम बोल रहा हूँ मेरा पॉलिसी मैं लूंगा और कोई साथी बताना चाहेंगे कल? राजेंद्र जी आप वहां पर थे, आपको बोलना चाहेंगे कल के प्रोग्राम के बारे में? नहीं अच्छा था प्रोग्राम, काफी सही था, बहुत बढ़िया था प्रोग्राम। अच्छा आपको कल के प्रोग्राम में क्या क्या अच्छा लगा? कल के प्रोग्राम में सारी चीजें अच्छी लगी, उसमें पता चल गया ब्रांच का भी टारगेट कितना कम बढ़ रहा है, ये पता नहीं था अभी। अच्छा तो पॉलिसी लॉन्च हुई है, कॉम्बिनेशन का तो चल ही रहा है, खैर कॉम्बिनेशन तो खैर आ ही रहे हैं सारे, अभी कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कॉम्बिनेशन तो जो बता रहे थे पहले ऑलरेडी थे हमारे पास सारे, कॉम्बिनेशन करो या सिंगल करो बट ये है कि काम चलता है चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है, कुछ ना कुछ आगे रहना चाहिए। जी 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 ठीक है बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? और अभी साथी थे कल, हॉल पूरा का पूरा भरा हुआ था आखिरी तक, बिल्कुल मैंने देखा तो एक भी चेयर खाली नहीं थी, पूरा हाउसफुल प्रोग्राम था कल का। और कल के प्रोग्राम के बाद आपने डिसीजन क्या क्या किया? कल के प्रोग्राम से आपने पक्का इरादा क्या किया कि हाँ ये तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्या क्या आपने डिसीजन लिया? बताना चाहेंगे? कोई भी साथी बता सकते हैं आपने क्या डिसीजन लिया, क्या आपने सोचा कि हाँ ये काम तो मुझे करना चाहिए? नहीं कोई डिसीजन के बारे में नहीं बताना चाहेंगे? सर मैंने तो ये सोचा काम जरूर करना चाहिए एलआईसी में। बढ़िया ठीक है बढ़िया। और जी बताइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई रिस्क है ना कोई लागत है, और हर तरीके से बस काम करो, मूवमेंट करो, एक बड़ा ग्रुप बनाते जाइए और जिंदगी भर अपना एक पेंशन के रूप में पैसा लीजिए, तो बहुत अच्छा माहौल है। और एलआईसी का माहौल अच्छा है चूंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हैं, ऐसा कल मुझे लगा कि हर तरीके से मतलब कोई और कहीं भी जाओ तो फर्द चार्ज लग जाता है। सर LIC ये है कि आपको फ्री में इतना बड़ा ट्रेनिंग, खाना पीना हर चीज देती है और आपको मोटिवेट करती है कि काम करो और अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़िए, अपना जीवन सिक्योर करिए। और हर ढंग से LIC मतलब एक वाकई में समझ में आता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और काम करना चाहिए हर आदमी को, बढ़िया काम करना चाहिए। एक तो ये वाला जो ऑल इन वन का अपडेट आ चुका है, आपने डाउनलोड सभी ने कर लिया या तो किसी का रह गया? गूगल प्ले स्टोर में जाके ऑल इन वन कैलकुलेटर बचत प्लस इसके अंदर आ चुका है, किसी का रह तो नहीं गया? सबने कर लिया डाउनलोड? सर मेरे में सर अपडेट नहीं आ रहा सर, मैंने किया था दोबारा से नहीं आ रहा सर। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर ऑल इन वन का अपडेट, कल मैंने सुबह वहां पर बैठे बैठे चांस मैंने चेक कर लिया गूगल प्ले स्टोर में ऑल इन वन, तो वहां पर बचत प्लस अवेलेबल था। और क्योंकि वहां पर हमने बचत प्लस का थोड़ा सा डिस्कशन किया तो मेरे को शाम तक गुड्डू कुमार जी का फोन किया गया, उन्होंने तीन लोगों को जाके अलग अलग तीन लोगों को जाके बचत प्लस बता भी डाला, सो डेफिनेटली यहां पर सेल होएगा। जी चेक कर लीजिए, जी आप चेक कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर, आप वहां से चेक कर लीजिए आपका ये आएगा। मार्च टू वार्ड टारगेट आधारशिला आधार स्तंभ के ऊपर ये वाला स्पेशली आया हुआ है 16 मार्च से 20 मार्च तक, तो आप इसका ध्यान इसको कर लीजिए, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको स्पेशली इसके लिए सीखने की जरूरत अभी शायद हो सकता है कि अभी ना पढ़े, लेकिन भविष्य में आपके ये काम आ सकता है। 861 प्लान के बारे में आपका किसी और से बातचीत हुआ क्या, कोई डिस्कशन आपका हुआ? 861 का मतलब बचत प्लस, तो बचत प्लस के बारे में आपका और किसी से बातचीत हुआ है क्या? किसी से भी आपका डिस्कशन हुआ, किसी से भी आपका बातचीत हुआ बचत प्लस प्लान के बारे में? क्योंकि नया प्लान है तो नए प्लान के नाम पर हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें यही प्लान सेल करना है, ये तो एक बहाना है कि
कि बचत प्लस आ गया, चलो नई पॉलिसी आई है, इसी बहाने से लोगों को बातचीत करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोगों को अच्छा लगता है, यही बहाना है। हाँ जी बोलिए। मैं समझ नहीं पा रहा। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हरिराम जी तीन पॉलिसी लेकर आए थे, हरिराम जी को बहुत बहुत बधाई। कल तीन पॉलिसी का कैश मेरे को देकर गए, अच्छा लगा। तीन प्रोग्राम के अंदर भी आए, साथ में तीन पॉलिसी करके भी लेकर आए, दैट्स वेरी गुड। बधाई हरिराम जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे हरिराम जी? आपको कल का प्रोग्राम कैसा लगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। क्या क्या अच्छा लगा आपको कल के प्रोग्राम के बारे में? आपको क्या क्या अच्छा लगा? सर सब कुछ ठीक था। आपने क्या डिसीजन लिया कल के प्रोग्राम की तरह? डीएम सर ने परिवार की तरह बताया, डीएम सर ने हम लोगों को परिवार की तरह बताया, वो बहुत अच्छा लगा। अरे वाह क्या बात, बढ़िया बढ़िया। और आपने डिसीजन क्या लिया कल के प्रोग्राम के बाद? आपने क्या क्या नए डिसीजन लिए कि मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा? नए डिसीजन क्या क्या लिए? सर काम करूंगा। ठीक है बढ़िया। मैंने साथ आप, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप अच्छे तरीके से रोजाना पॉलिसी बेचें, नए नए लोगों को मिलें, उनको प्लान प्रेजेंटेशन करें कल होटल के अंदर, किसने किसने जाकर। अच्छा हरिराम जी का मेरे को एक और चीज अच्छा लगा, होटल के अंदर जाके कैशियर को जाके अपना कार्ड दिया, जो उसके साथ में जो हेड कैशियर थे उनको जाके अपना कार्ड दिया, होटल के जो मार्केटिंग मैनेजर थे उनको जाके अपना कार्ड दिया। हरिराम जी आपकी ये वाली क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी, और डेफिनेटली मुझे लगता है आपके इस गुण के कारण, इस क्वालिटी के कारण आपका पॉलिसी बेचने में आपको बहुत जबरदस्त मदद मिलने वाला है। हरिराम जी को बताइए। ये वाला इंडिया टुडे का आर्टिकल मैंने आपको भेजा था, आप में से किसी ने देखा ये वाला? वेलकम वेलकम हरिराम। इंडिया टुडे मैगजीन है, उसके अंदर स्पेशली यहाँ एलआईसी लिखा हुआ है, एलआईसी के बारे में, अनलॉकिंग एलआईसी, एलआईसी बिक रही है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, एलआईसी को गवर्नमेंट सेल कर रही है, एलआईसी के शेयर आ रहे हैं, इस टाइप की चीजें आपको सुनने को कभी मिलती हैं क्या? या तो कभी आपको इस टाइप के ख्याल आते हैं क्या किसी को भी? तो सुनने मिल रही है आपकी इस तरह की बातें, तो ये इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल भेजा था। मुझे लगता है ये 60 पेज का मैगजीन है, और इंडिया टुडे एक बहुत ही रेपुटेड मैगजीन है, बहुत ही बढ़िया मैगजीन है। उन्होंने एलआईसी के ऊपर आर्टिकल लिखा, मतलब आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से बता रखा है एलआईसी क्या है, क्या होना चाहिए, एलआईसी के अंदर क्या फायदा है, क्या बहुत कुछ लिखा है। नेट प्रॉफिट इसमें लिखा है, आपका क्या इनकम कितनी है, ये देखो लिखा है 616,000 करोड़ की आपकी इनकम थी 2019-20 के अंदर। आपकी कंपनी के बारे में इतनी तारीफें लिखी हैं, इतनी तारीफें लिखी हैं, इतनी तारीफें, अनलॉकिंग एलआईसी बहुत जबरदस्त तारीफें लिखी हैं। मेरे ख्याल से आप यही जाके आपने कस्टमर को दिखा दिया तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने ये वाला आर्टिकल स्पेशली इस वजह से भेजा था कि आपको पॉलिसी बेचने में मदद मिलेगा, और डेफिनेटली मदद मिलने ही वाला है ये वाला। अब चूंकि एक मैगजीन होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो उसके अंदर ठीक है उन्होंने जो मेन जो पेज है वहां पर जाकर इसको दे दिया, लेकिन अंदर ये कौन से वाले पन्ने पर है ये थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कवर पेज का स्टोरी है, लेकिन कवर पेज का स्टोरी भी उन्होंने अंदर कहाँ दे रखा है वो थोड़ा सा एक बार ही देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, आप में से किसने पढ़ा ये वाला आर्टिकल? क्या वो पढ़ा नहीं, क्या देखा नहीं? मैंने पढ़ा सर, मैंने वो ये खरीद ली है, परचेज कर आपने क्या है? आपने मैगजीन खरीदी है? आपने? मैंने खरीद ली है सर ये। अच्छा मैगजीन खरीदी, अरे वाह क्या बात है, दिखाओ जरा मैगजीन कहाँ है, दिखाओ दिखाओ क्या दिखाओ ना मैगजीन कहाँ है, अभी रखी है? नहीं अभी नहीं है सर, दोपहर में दिखा दूंगा। कोई बात नहीं, 68 पेज का ये आर्टिकल है, कवर स्टोरी एलआईसी अनलॉकिंग एलआईसीज वैल्यू, पीडीएफ फ्री में आता है, पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, मैंने ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पर भेजा था। मैगजीन का पैसा लगता है। देयर इज मच टू गेन फ्रॉम ब्रिंगिंग एलआईसी टू मार्केट, आईपीओ के अंदर बहुत जबरदस्त फायदा है, ऐसा यहां पे लिखना है। एंड गेटिंग ए होल्ड ऑन द फिस्कल डिपॉजिट नॉट द लीस्ट टेम्पटिंग बट हर्डल टू क्रॉस, इसमें लिखा है एलआईसी का शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराना बहुत ही भारी काम है सरकार के लिए। और इसमें ये भी लिखा है 4,955 ऑफिसेज हैं एलआईसी के, और डायरेक्टली 1,08,000 एम्प्लॉई हैं, और 13,00,000 एलआईसी के एजेंट्स हैं, 36,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति एलआईसी आपकी कंपनी जो है यहाँ मैनेज कर रही है। लोगों के पास 1 करोड़ का घर होता है, 50,00,000 का घर होता है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी
लिए उसको मैनेज करने के उनके तोते हो जाते हैं। यहाँ पे एलआईसी में 36 लाख करोड़ रुपए संपत्ति मैनेज कर रहे हैं, सोचो आपकी कंपनी जो है कितना बढ़िया काम कर रही है। इसमें लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको बहुत सारे लोग बड़ा मानते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा एलआईसी के पास है, 3 गुना। आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं आपकी कंपनी, ये जो इंडिया टुडे जो मैगजीन वाले हैं इन्होंने बहुत मेहनत करी आपकी कंपनी के ऊपर। 7.63 लाख करोड़ ये 19-20 में इसका मार्केट शेयर है एलआईसी का, 66% एलआईसी का जो शेयर, इसका जो आपका जो नया प्रीमियम आता है उसमें से एलआईसी का है। और 1 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है, 10% का जो स्टेक आपकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख करोड़ लगाई गई है, 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर आपकी कंपनी के हैं। तो ये आर्टिकल है, आप इसको देखेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास समय इतना ज्यादा नहीं है कि हम पूरा पढ़ पाए, लेकिन हाँ मैंने आपको भेजा है। और सभी ने इतनी जबरदस्त तारीफ करी है आज तक, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आए हैं, शेयर मार्केट के इश्यू आए हैं, 2010 में कोल इंडिया लिमिटेड का आया था 15 लाख करोड़ का, एलआईसी का 1 लाख करोड़ का है। इतिहास में आज तक इतना बड़ा इश्यू शेयर मार्केट में कभी आया नहीं, शायद भविष्य में कभी भी आएगा नहीं। एलआईसी की संपत्ति कितनी है, ऑफिसेस कितने हैं, असेट्स कितने हैं, सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। IRDA रिपोर्ट से अलग अलग जगहों से इन्होंने ये चीजें उठाई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल है एलआईसी के अंदर, एलआईसी अच्छी क्यों है। आप जाके कस्टमर को बताते हो ना कि एलआईसी बढ़िया है, एलआईसी बढ़िया है, एलआईसी बढ़िया है, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। इंडिया टुडे वाले ने इतना मेहनत किया है हमारे लिए, सबके लिए, आपके और मेरे लिए, हम आर्टिकल ये किताब लेके चले गए ना, इंडिया टुडे वाला किताब मेरे ख्याल से कितना, मनीष कितने रुपए का किताब है ये, 50 रुपीज सर, 50 रुपया। तो 50 रुपए के अंदर आपको पॉलिसी बेचने का वो मौका मिलता है तो बहुत शानदार है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। ये वाला मनीष जी कहाँ से लिया आपने, मनीष जी कहाँ से लिया आपने, मनीष जी कहाँ से अवेलेबल है, कहीं भी बुक स्टोर पे जाओ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, दुनिया भर के बुक स्टोर है, कहीं से भी ले लो, किताबों की कौन सी कमी है, इतनी ढेर सारी। मनीष जी आप थोड़ा सा लेट आए थे तो कल के प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था, अब चूंकि आप थोड़ा देर से आए हैं तो मेरे को एक बार दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ। कल आपकी ऑनरिंग हुई, सभी को बहुत ही अच्छा लगा, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपको स्पेशली ऑनर किया गया, प्राइज आपने जीता, बहुत ही बढ़िया। आपका तो राजेंद्र जी का तो खैर राजेंद्र जी थे अभी थोड़ी देर पहले तो हमने दिखाया था, और मैं दोबारा से एक बार दिखा, अच्छा ये आपका एक फोटो और है, मैंने फोटो आप सभी को भेज दिए थे, आपने देखे ही होंगे डेफिनेटली, तो बढ़िया लगा कल का प्रोग्राम। मनीष जी ने वहाँ पर स्पीच भी दिया था, क्योंकि मनीष जी हमारी टीम के अंदर नंबर ऑफ पॉलिसीज में नंबर 1 है, मेरे ख्याल से कितना 82 या 83 पॉलिसीज कर चुके हैं। तो मनीष भाई आपने वो अपना बोला था कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ इसको, जो शतकवीर, तो आपका मनीष वो शतकवीर कहाँ तक पहुंचा, 100 पॉलिसीज आप क्वालिफाई करने वाले, हो जाएगा सर आज, हो जाएगा आज, हो जाएगा, वेरी गुड मनीष जी के लिए जोरदार तालियां। एनालिसिस पैरालिसिस एक बीमारी है, एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्लाइंट के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, पॉलिसी बताऊं कि नहीं बताऊं, कस्टमर को मिलूं या नहीं मिलूं, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, हम बहुत सोचते हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। किसी के साथ होता ही है, आप में से किसी के साथ, मेरे साथ तो बहुत होता है, तो अब जैसे सुबह एक्सरसाइज, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक और जब शुरू कर दिया तो होता चला गया। अच्छा एक्सरसाइज है ना, अच्छा ये बचत प्लस अच्छा है या तो जीवन लाभ अच्छा है, या तो फिर नैच करूं या तो ईयरली करूं, मतलब करने की बजाय उसके बारे में सोचते रहना, ये खतरनाक है। मतलब या तो कर लो या तो मत करो, वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत सोचना वो तो ठीक है, हर चीज में थोड़ा बहुत सोचना तो जरूरी है, लेकिन भयंकर तरीके से सिर्फ सोचते ही रहना वो बहुत भयंकर काम है और बहुत ही डेंजरस है। तो उससे क्या होता है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं, जितना टाइम सोचने में बर्बाद करते हैं उतने टाइम में तो वो काम हो चुका होता। तो आप में से किसको आता है ये प्रॉब्लम, सर हमें भी आता है, सर मुझे भी आता है, बहुत सर अगर नहीं तो टॉप पे होते, अगर नहीं आता तो तो ये YouTube के अंदर हमने एनालिसिस पैरालिसिस सर्च किया, मैंने लिंक भी आपको भेजा है,
तो उसके अंदर ये ढेर सारे वीडियो हैं, ये बता रहे हैं कि भाई एनालिसिस पैरालिसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी से बच के रहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुतों का बहुत नुकसान ऑलरेडी कर चुकी है और हमारा नुकसान ना करे, तो इसके लिए हमें अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं यदि आप देखना चाहें। वैसे YouTube पे वीडियो देखना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, ढेर सारा टाइम लगता है, इतना टाइम ना तो आपके पास है ना तो मेरे पास है, फिर भी यदि आपका इंटरेस्ट हो, यदि आपकी इच्छा हो देखने का, तो इसके अंदर ये ढेर सारे वीडियो दे रखते हैं, ढेर सारा इसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोचते रहते हैं, सोचते करना नहीं कुछ भी, सिर्फ सोचते रहना, तो ये थोड़ा सा बचते रहें। मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर भी इसके ऊपर कुछ, एक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ना लिखा है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, ये लोग सोचते रहते हैं, है ना, व्हाई यू नेवर गेट स्टार्टेड, वो शुरू ही नहीं करते, सोचते रहते हैं करूँ कि नहीं 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 करूँ कि नहीं, जितना टाइम ये करूँ कि नहीं। एक साल से सोच रहा हूँ सर, कॉर्पोरेट वाला मॉड्यूल अपनाने का सोच ही रहा हूँ बस, जिंदगी ना मिले तुमने ये लिखा है, देखो यहाँ पे इसने ये लिखा है, मुझे ये करना है लेकिन 483 व्यूज हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस इन हिंदी, आप इस वीडियो पे 5 मिनट का वीडियो है, आप क्लिक करोगे आपको ये पूरा बताएगा, तो थोड़ा सा है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते, ज्यादा सोचने वाले कम सोचने वाले क्या होता है, ज्यादा सोचने वाले का दिमाग भी छोटा हो जाता है, इसमें लिखा है ज्यादा सोचना आपको बर्बाद कर सकता है, एक्शन बर्बाद नहीं करता कभी भी, आप ज्यादा एक्शन करोगे वो किसी को नहीं बर्बाद करता, ज्यादा भागते दौड़ते रहोगे, ज्यादा लोगों को मिलते रहोगे, ज्यादा सेलिंग करोगे, उससे किसी की बर्बादी नहीं होती, सोचते रहने से बर्बादी होती है, करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, आप यदि चाहें तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको काम का चीज इसके अंदर मिल सकता है जी। सो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, हमने पिछले 39 मिनटों में हम लोग यहाँ पर अलग अलग बातों को सीखने का समझने का कोशिश किया, आपको आज के प्रोग्राम के अंदर क्या क्या अच्छा लगा पिछले 39 मिनटों में, तो आप में से कौन कौन साथी बताना चाहेंगे? ये सर रिव्यू जो जाता है कि भाई कहाँ पे अपने मुंह से निकल के आते हैं, कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे और बढ़िया हो सकता था, और जैसे ये है इंडिया टुडे का है, कस्टमर के पास लेके जाना है, जो कहते बिक्री है जी, एलआईसी ये हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कल गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, क्या करेगी गवर्नमेंट का भरोसा क्यों नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए आईपीओ ला रही है, आपकी कंपनी की तारीफें हो रही है, आपकी कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सो बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, आखिरी का हमारे पास 4 सेकंड बचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पर आए, हम लोग 7 लोग यहाँ सुबह सुबह इकट्ठा हुए और हमने अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करी, अलग अलग बातों को सीखने की जानने की समझने की कोशिश करी, कल सुबह के प्रोग्राम में एक बार फिर से मिलेंगे, जरूर आइएगा, 8:50 बृहस्पतिवार का दिन है, 18 मार्च का दिन है, कल जरूर आइएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, आज कम से कम एक नए आदमी को मिले,